देखिए, वो कहते थे ना कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, भंडारे भरे रहे। भरे भी रहते थे। देखिए, पार्टी होती थी, फंक्शंस होते थे, 100 लोग बुलाए खाने पे, 150 लोगों ने खाना खा लिया, कितनी बरकत होती थी। मगर उस बरकत के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट होती थी उनकी नियत, उनका भाव। और फिर इस सब के अलावा प्रॉपर मुहूर्त देखते थे, विधि विधान से पूजा करते थे। हलवाई होते थे वो भी पूजा करते थे, घर वालों को भी पूरी आस्था होती थी, वो भी सारी की सारी जितने विधि विधान से जो भी चीजें हो सकती थी अच्छे से अच्छा करते थे, बरकत होती थी उसमें। आज भी है, आज भी जो लोग मानते हैं, देखने सुनने में अक्सर आपको मिलता होगा, कहते हैं ना, धन धान्य के भंडारे भरे रहे, भरे भी रहते हैं भंडारे। शाबर मंत्रों की श्रृंखला में आज ऐसा ही वीडियो, एक माँ अन्नपूर्णा की कृपा पाने का, अन्न धन से भंडार भरे रहे किस प्रकार से किया जाए, उत्तम नारायण पांडे जी इसी को बता रहे हैं। आज हमारी जो श्रृंखला चल रही है शाबर मंत्रों की, शाबर मंत्रों की पूरी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, एक क्लिक में आपको बहुत सारे शाबर मंत्र देखने को मिल जाएंगे। और एक पीछे जो वीडियो चलता है, क्योंकि जो उत्तम नारायण पांडे जी का वीडियो है इसमें नर्मदेश्वर का जिक्र आया है, इसमें नर्मदेश्वर का जिक्र आया है, तो नर्मदेश्वर का पूरा वीडियो में डिस्प्ले कर रहा हूँ पीछे। अगर पूरा डिटेल्स में वीडियो देखना है आपको, तो गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस में आप पूरा वीडियो इसका देख सकते हैं, क्या है नर्मदेश्वर, कैसे इसको सिद्ध किया जाए। श्री सीताराम, गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। शाबर मंत्रों की श्रृंखला में आज भगवती अन्नपूर्णा का भंडार पूर्ण शाबर मंत्र लेकर प्रस्तुत हूँ। यह शाबर मंत्र आपके घर परिवार में अन्न धन की हमेशा वृद्धि होती रहे, कभी कोई कमी ना हो, सब प्रकार से संपन्नता हो, माता जगदम्बा अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, इस हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। और एक गृहस्थ के लिए इसका प्रयोग बहुत आवश्यक है। और इस मंत्र में विधि विधान जैसा कोई बहुत कहीं कोई कठिनता जैसी बातें नहीं हैं, बहुत आसानी से इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस मंत्र के साथ ऐसी भी कोई बातें नहीं कि किसी विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, आप शुद्ध रूप से इस मंत्र का जप करें, भगवती अन्नपूर्णा पर श्रद्धा रखें, आपको इस मंत्र का त्वरित लाभ मिलेगा। तो विधान में बता देता हूँ, किसी भी शुभ दिन स्नान आदि से पवित्र हो करके आप अपने पूजन स्थल पर बैठ जाएं। यदि आपके सामने माता अन्नपूर्णा या भगवान शिव का नर्मदेश्वर रूप का कोई विग्रह हो, नर्मदेश्वर नर्मदा नदी से प्राप्त होने वाला भगवान शिव का विग्रह है, यदि आपके पास उपलब्ध हो तब तो बहुत अच्छी बात है। और यदि ना उपलब्ध हो तो फिर भगवान शिव का या माता अन्नपूर्णा का जैसा भी विग्रह आपके सम्मुख उपलब्ध है उसकी यथासंभव पूजा अर्चना कीजिए और एक घी का दीपक जला लीजिए और रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसके 5 माला जप कीजिए और माता अन्नपूर्णा भगवान शिव से अपने घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि अन्न के भंडार भरे रहें ऐसी प्रार्थना कीजिए। उसके बाद नित्य 11 बार इस मंत्र का जप करते रहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में शीघ्र ही दरिद्रता, अभाव, गरीबी का पलायन हो रहा है और समृद्धि का आगमन हो रहा है। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है, ओम नमः अन्नपूर्णा अन्नपूरे घृत पूरे गणेश जी, पाति पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो आशा करता हूँ कि आप भगवती अन्नपूर्णा के इस शाबर मंत्र का प्रयोग करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना। सीताराम।